जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एलएसी के पास भारत अमेरिका करेंगे मिलिट्री ड्रिल। वहीं अमेरिका और भारत के खिलाफ सीक्रेट साइबर आर्मी स्थापित करने में तुर्की ने की पाकिस्तान की मदद। और एलएसी पर भारत के सामने पस्त होगा ड्रैगन, भारत ने किया बड़ा ऐलान। वहीं पीओके वापस लेने का भी बड़ा प्लान। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों भारत चीन तनाव के बीच चीन से लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के पास भारत और अमेरिका मिलिट्री ड्रिल करेंगे। साथ ही साल खत्म होते होते भारत तीन बड़े वॉर एक्सरसाइज एक साथ करने जा रहा है। ये सभी मिलिट्री एक्सरसाइज 8 नवंबर से शुरू होगी और 11 दिसंबर तक चलने वाली इन मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत अपनी मिलिट्री ताकत दिखाएगा। दोस्तों भारत और अमेरिका 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक एलएसी के पास वॉर एक्सरसाइज करेंगे और ये एक्सरसाइज उत्तराखंड के ओली में होगी। ये इलाका एलएसी से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है और एक ऑफिसर के मुताबिक वॉर एक्सरसाइज में दोनों देशों के करीब 350-350 सैनिक शामिल होंगे और यहाँ पहाड़ों और बेहद ठंडे इलाकों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को परखा जाएगा। वहीं एक साल ये एक्सरसाइज भारत में होती है और एक साल अमेरिका में, और पिछले साल ये वॉर एक्सरसाइज अमेरिका के अलास्का में किया गया था। दोस्तों उत्तराखंड से सटा चीन बॉर्डर भारतीय सेना के सेंट्रल सेक्टर का हिस्सा है। ये इलाका भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवादित रहा है। 2 साल पहले गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से इस इलाके में चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ी है। इस वजह से भारत और अमेरिका के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज बेहद इम्पोर्टेंट है। वहीं सीमा पर चीन द्वारा नए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की खबरों के बीच भारतीय सेना के ऑफिसर्स ने थर्सडे को बताया कि भारत न्योमा एयरफील्ड को अपग्रेड करने जा रहा है। दोस्तों भारत जल्द ही पूर्वी लद्दाख में एलएसी से 50 किलोमीटर से कम की दूरी पर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए अपने न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड करने के लिए निर्माण काम शुरू करने जा रहा है। वैसे चीन के साथ गतिरोध के दौरान न्योमा एयरफील्ड का इस्तेमाल लोगों और कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया था। इस एयरफील्ड में चीनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स और C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट का संचालन किया जा चुका है। साथ ही प्लान के मुताबिक नए एयरफील्ड और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा किया जाएगा और इससे फाइटर जेट्स की ऑपरेशनल क्षमता मजबूत होगी और एयरफोर्स को दुश्मनों के दुस्साहस से तेजी से निपटने में मदद मिलेगी। वैसे भारत पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी, फुकचे और न्योमा सहित सभी एयरफील्ड के डेवलपमेंट के ऑप्शंस पर विचार कर रहा है जो चीन के साथ एलएसी से कुछ ही मिनटों की दूरी पर हैं। वहीं तुर्की ने भारत और अमेरिका के खिलाफ साइबर सेना बनाने में पाकिस्तान की मदद की है और इसका खुलासा नॉर्डिक मॉनिटर ने अपनी रिपोर्ट में किया है। तुर्की ने सीक्रेट तरीके से द्विपक्षीय समझौते के तहत एक साइबर सेना स्थापित करने में पाकिस्तान की मदद की, जिसका इस्तेमाल डोमेस्टिक पॉलिटिकल टारगेट्स के लिए किया गया था और साथ ही अमेरिका और भारत पर हमला करने के लिए किया गया था, और इसे पाकिस्तानी शासकों के खिलाफ की गई आलोचना को कम करने का इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था। नॉर्डिक मॉनिटर ने बताया कि तुर्की ने जनमत तैयार करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में मुसलमानों के विचारों को प्रभावित करने, अमेरिका और भारत पर हमला करने और पाकिस्तानी शासकों के खिलाफ की गई आलोचना को कम करने के लिए एक साइबर सेना स्थापित करने में पाकिस्तान की मदद की है। वहीं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने थर्सडे को बताया कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है और उसे इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सीधा बताया कि गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुंचने के बाद ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास सुनिश्चित हो पाएगा। शौर्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सिंह ने बताया, हमने अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की विकास यात्रा शुरू की है। जब हम गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुंच जाएंगे तभी टारगेट पूरा होगा। दोस्तों बता दें कि श्रीनगर में 1947 में आज के ही दिन श्रीनगर में भारतीय वायुसेना ने लैंडिंग की थी। इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही राजनाथ सिंह ने बताया कि कश्मीर में पाकिस्तान ने जो खून बहाया है उसके पीछे केवल भारत को टारगेट करना है। वहीं भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी टाटा एयरबस को सौंपी गई है और कंपनी वडोदरा स्थित प्लांट में इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी, और ये इन्फॉर्मेशन आर्मी के एक ऑफिसर ने दी है। साथ ही डिफेंस मंत्रालय के एक ऑफिसर ने बताया कि ये पूरी तरह स्वदेशी में से एक होगा और भारत में बने एयरक्राफ्ट्स की आपूर्ति 2026 से 2031 तक की जाएगी और पहले 16 एयरक्राफ्ट 2023 से 2025 के बीच आएंगे। वहीं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने बताया कि इम्पोर्ट पर कोई प्रतिबंध नहीं है और पॉलिसी ये है कि भारत में जो कुछ भी बनाया जा सकता है वह यहाँ बनाया जाएगा, और डिफेंस फोर्सेस के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक जोरदार प्रयास किया जा रहा है और मिलिट्री
एनर्जी मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने बताया कि गुजरात के वडोदरा में बनने वाले इस प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को करेंगे। साथ ही पिछले साल सितंबर में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ रुपए के डील पर सिग्नेचर किए थे, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरोस 748 एयरक्राफ्ट को बदलने के लिए 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद की गई थी, जिसमें भारत में पहली बार किसी निजी कंपनी द्वारा मिलिट्री प्लेन्स का निर्माण भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।